हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल. मैं नंदनी, आप सभी को वेलकम है नंदनी प्रेगनेंसी टिप्स पे. तो आज बहुत ही खास टॉपिक लेके आ गए हैं जो कि आप हमेशा कमेंट्स करते रहते हैं. आई नो मैं बहुत दिन बाद आज वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि मेरे घर में फंक्शन प्रोग्राम एंड शादी था, मतलब कि शादी था तो सारी चीज़ थी, इसके वजह से मैं वीडियो प्रॉपर बना नहीं रही थी. और बना भी रहता तो मैं एडिटिंग करने का भी टाइम मेरे पास नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा भागदौड़ हो जा रही थी इसके वजह से. तो आज मैं आप लोगों के लिए PCOD प्रेगनेंसी जो मेरा हुआ है उसका स्टोरी मैं आप लोगों को सुना रही हूँ. तो ये वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और मैंने क्या कैसे किया जिसके वजह से मेरा प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव हो गया, और मुझे कब पता चला, आखिर ऐसे क्या सिम्टम्स हुए जिससे मुझे पता चला और मैं अपने सिम्टम्स पे काम करके मैंने नेचुरल बेबी कंसीव किया है. आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए मैं स्टार्टिंग में ही बता दी हूँ मुझे बेबी नेचुरल हुआ है और मैं बिल्कुल नेचुरल ही PCOD भी ठीक की हूँ. कोई इंजेक्शन वगैरह जो डॉक्टर बताते हैं वो मैंने कुछ भी नहीं किया, ना ही IVF मेरा हुआ, बिल्कुल नॉर्मल बेबी कंसीव हुआ है और नॉर्मल ही डिलीवरी हुआ है. और आज मेरे पास 10 महीने की बेबी है, बेबी गर्ल है, और मैं बहुत खुश हूँ अपनी फैमिली के साथ. मतलब मेरा फैमिली आज कंप्लीट हो गया और मैं अब मेरे 2 महीने के बाद मेरी बेबी का 1 साल हो जाएगा और बर्थडे सेलिब्रेशन भी होगा, तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी. तो ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं सीधे वीडियो को स्टार्ट करती हूँ. और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल घंटी को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. तो आज का जो टॉपिक है आपको पता ही है कि मेरा प्रेगनेंसी स्टोरी, तो आप लोग ज़रूर सुनिएगा. और बहुत ही मतलब क्या मैं बताऊँ, ऐसी स्टोरी है कि घर वालों को भी पता नहीं चला और मेरा प्रेगनेंसी भी कंसीव हो गया और आज मेरे पास बेबी है. अब जाके वीडियो के थ्रू उनको पता चल रहा है, या फिर वो वीडियो देख रहे हैं तब, नहीं तो ऐसे मुझसे सामने से उनको पता नहीं चला कि हाँ मुझे क्या था, क्योंकि मैंने टाइम रहते हुए ही ज़्यादा देर ना किया. मैंने जान गई कि वो मुझे PCOD है तो ज़्यादा लेट नहीं करना है भाई, मुझे जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करना है, तो हो गया और मैं आज आप लोगों के सामने हूँ. लेकिन हाँ, इसके पीछे बहुत मैं टेंशन में थी, बहुत डिप्रेशन में. स्टार्टिंग में करती हूँ, जब मैं हॉस्टल में पढ़ती थी उसी समय से मुझे PCOD का अंश था लेकिन मुझे पता नहीं चलता था. तो मेरा पीरियड ख़राब रहता था क्योंकि वहाँ पे मैं आंध्र प्रदेश में रहती, तो वहाँ पे खट्टा ज़्यादा यूज होता था. तो मुझे लगता था कि खट्टा ज़्यादा खाने की वजह से, कहते हैं ना कि ज़्यादा खट्टा यूज करने से पीरियड जल्दी आ जाता है, तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि हो सकता है कि यहाँ पे खट्टा खाना रहता है इसके वजह से मुझे पीरियड जल्दी आ जाता है, या 15 दिन में ही आ जाता था, तो यही मैं सोचती थी. लेकिन वो टाइम टू टाइम बढ़ते चला गया और मुझे पता भी नहीं चला कि मुझे PCOD है. और लड़कियों को भी ये प्रॉब्लम हो रहा था पीरियड से रिलेटेड, मुझे भी हो रहा था, लेकिन मेरा सिम्टम्स तो बिल्कुल अलग था, मेरा चीज़ें अलग थी. पीरियड तो था कि 15 दिन में आ रही है लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था. उसी दौरान 1 साल वहाँ पे बीता, मतलब वहाँ 3 साल में रही हूँ, 3 साल में 2 साल मेरा ठीक ठाक चला, 1 साल मेरा पीरियड बिल्कुल ख़राब रहा. मैं ध्यान देती थी लेकिन क्या था ना कि और लोगों को भी था और लड़कियों को भी था, तो मुझे लगता था कि उसका है तो मेरा भी है. तो फिर वह उसके बाद मेरे 1 साल के बाद शादी हो गया. शादी के बाद ये चीज़ें और बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि मुझे जब पीरियड आता था तो इतना मैंने पेन होता था कि मैं बेहोश हो जाती थी, इतना दर्द देता था पहला दिन. तो ये बहुत ही ऐसा होना नहीं चाहिए कि इतना दर्द दे कि इंसान बेहोश हो जाए दर्द के मारे, लेकिन ये चीज़ मेरे हस्बैंड बोलते थे कि ये क्यों होता है, उनको समझ में नहीं आता था. मुझे भी ये चीज़ नहीं था कि मुझे PCOD है, लेकिन जैसे ही मेरा पीरियड जैसे आ गया, आज आया, तो मैं अब टेंशन में हो जाती थी कि पता नहीं कब जाएगा, क्योंकि पीरियड आने का आ जाता था लेकिन ख़त्म ही नहीं होता था. तो बहुत दिक्कत थी उन दिनों, लेकिन मेरे हस्बैंड भी पीछे रुकने वाले नहीं थे, बहुत जगह दिखाए लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ. 3-4 हॉस्पिटल दिखाए. जब मेरा शादी हुआ तो 2018 में शादी मेरा हुआ था, और 2-3 साल ऐसे ही बीत गए इधर उधर दिखाते दिखाते. फिर लॉकडाउन आया, लॉकडाउन के समय क्या हुआ कि मेरा
पीरियड जो था वो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। हर जगह आयुर्वेदिक, हेमोपैथी, इंग्लिश दवा, सारा चीज़ खा के मैं थक गई थी। और फिर मैं अंत में ये सोच ली थी कि अब मुझे बच्चा करना ही नहीं है, क्योंकि जब पीरियड ही नहीं सही है तो हो सकता है कि मेरे लाइफ में बच्चा नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए ऐसा होता है। क्योंकि जब पीरियड सही आएगा तभी तो मैं माँ बनूंगी ना, क्योंकि हर जगह से ये चीज़ें होने लगी थी कि 3 साल 2 साल में बच्चा हो जाता है तो अच्छा है, ज़्यादा देर होता है तो फिर नहीं होता है। और फिर जो जिनको बच्चा नहीं है, मैं उनको सोचती थी उनके पास बच्चा नहीं है तो मेरे पास भी बच्चा नहीं होगा, मैं ऐसा सोचती थी। लेकिन मेरी मम्मी वगैरह समझाती थी कि ऐसा नहीं होता है, लेट होता है लेकिन हो जाता है। तो फिर लॉकडाउन के ठीक कुछ दिन पहले, लॉकडाउन हुआ नहीं, लॉकडाउन के कुछ दिन बाद, जैसे लॉकडाउन हुआ था मार्च में, होली के बाद लॉकडाउन पूरा बंद हो गया था, तो उसी दिनों मतलब उन्हीं दिनों में मेरा पीरियड और ही ज़्यादा ख़राब होने लगा था। जो मैं होम्योपैथी का दवा लेती थी जिससे मेरा पीरियड बिल्कुल बैलेंस रहता था, वो दवा ख़त्म हो गई। जब मैं दवा लेती थी ना तो ठीक रहता था, जैसे ही मैं दवा छोड़ देती थी ना तो फिर से स्टार्ट वही प्रॉब्लम हो जाता था। तो लॉकडाउन के टाइम मेरा ये दवा ख़त्म हो गया था। तो दवा ख़त्म होने के बाद क्या हुआ कि मेरा फिर और प्रॉब्लम बढ़ते चला गया। तो फिर जैसे ही लॉकडाउन 2 महीने का उस टाइम लगा हुआ था, तो फिर जब लॉकडाउन ऑन हुआ मतलब चीज़ें सब चीज़ खुल गई थी, बस एक टाइम लिमिट हो गया था कि सुबह में ही 11 बजे तक तो खुलना है। तो उसी टाइम मैं 2 महीने के बाद, लॉकडाउन के 2 महीने बाद, गर्मी के दिन था, मई या जून ऐसे ही कुछ था, उस समय हम अपने मम्मी के इधर उसी डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्पिटल था, वहाँ पे जाके हम दिखवाए। क्योंकि वहाँ पे हम मेरी मम्मी भी पहले दिखवाई है, कुछ भी प्रॉब्लम उनको होता था तो वहीं जाके दिखवाते थे, तो मुझे उन डॉक्टर पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था। इसके वजह से मैं बोली कि मुझे वहीं दिखवाना है, चाहे जैसे भी देखे उन्हीं से दिखवाना है। क्योंकि एक दो बार वो देखी थी ना, तो मुझे अच्छे से समझाई थी बातें, ऐसे करना है वो करना है, तो मुझे लगता था कि वो अच्छी डॉक्टर है। क्योंकि वो अच्छे से, जो डॉक्टर अच्छे से समझाता है वही एक अच्छा डॉक्टर है। तो मैं उन्हीं के पास फिर गई, फिर उन्होंने, जिस दिन मैं गई ना उसी दिन मेरा पीरियड आ गया। जब मैं जाने वाली थी तो मेरा पीरियड नहीं था, लेकिन मैं जब रेडी हुई हूँ तो नहाने के बाद मेरा पीरियड आ गया। तो फिर मैं सोची कि क्या हो गया, और पीरियड में मैं कैसे जाऊँगी दिखाने के लिए, पता नहीं देखेंगे नहीं देखेंगे, ऐसा मेरे दिमाग में था। तो फिर वहाँ पर जब गए तो उन्होंने बोला कि आपका पीरियड का डेट कब है, तो मैंने बताया कि तो सही से डेट ही नहीं है जैसा जो था मैंने बताया। फिर उनको मैं ये भी बताया कि अभी आज ही मेरा रिसेंटली मतलब 1-2 घंटे पहले मेरा पीरियड आ गया। तो उन्होंने बोला कि तो अच्छा है, मैं एक टेस्ट लिखती हूँ, वो टेस्ट करवा लो, उससे पता चल जाएगा। फिर उनको हम बताया कि मेरे शादी का, वो सब कुछ पूछी थी कि शादी का कितना साल हुआ, पति साथ में रहते हैं नहीं रहते, जो नॉर्मल डॉक्टर पूछते हैं वो सारी चीज़ पूछी थी। उसके बाद वो जब चेकअप हुआ, वो अल्ट्रासाउंड बहुत अलग था, वो करवाई। उसके बाद पता चला मुझे कि PCOD है। तो मुझे जब PCOD पता चला तो मैं बहुत ओके ओके में थी कि चलो ठीक है, PCOD मुझे, या फिर मेरे पति को बस इतना था कि कम से कम जो इसको है वो तो पता चला कि क्या है। क्योंकि कहीं भी दिखाते थे तो सारा चीज़ नॉर्मल आता था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। तो हम इसीलिए हम बोलते थे कि हम माँ नहीं बनेंगे, क्योंकि मेरा कुछ प्रॉब्लम तो है नहीं, कुछ प्रॉब्लम होगा तभी तो इलाज करवाऊंगी ना। पता नहीं कैसे अल्ट्रासाउंड करते थे, कुछ दिखता ही नहीं था, सब नॉर्मल रहता था। तो मैं यही सोचती थी कि कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है तो फिर मैं, इसका मतलब मैं माँ नहीं बनूंगी। लेकिन यहाँ पे मुझे पता चला कि PCOD है, तो फिर मैं, कोई लोग दुख हो जाता है कि PCOD है, मैं खुश हो गई थी, मेरे हस्बैंड भी खुश हो गए थे कि चलो कम से कम इसका पता तो चला कि क्या इसका बीमारी है, कम अब इलाज होगा फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो हम लोग वहाँ से खुश हो गए। फिर मेरे डॉक्टर भी पूछे कि तुमको पता है कि PCOD क्या है, तो मैं ऐसे भी मोबाइल में सर्च करते रहती थी कि पीरियड क्यों खराब आता है, तो उसमें ये भी आता था कि PCOD के वजह से भी खराब आता है, तो मैं जानती थी कि हाँ PCOD, तो मैं उनको बताई तो बोले कि अच्छा ठीक है। फिर मैं एक नर्स स्टूडेंट भी हूँ तो वो भी मैंने उनको बताया, तो बोले कि अच्छा तभी तुमको पता है। तो फिर वहाँ पे वो जो भी दवा था वो दवा दी। उसके बाद दवा तो सिर्फ एक ही था जो मैं आप लोगों को बताती हूँ, नॉर्मोज, एक सिरप था, AVK40, ये दो बस। और एक पीरियड, उस टाइम मैं पीरियड मेरा आया हुआ था, तो वो पीरियड को कंट्रोल करने के लिए एक दवा था जो मुझे याद नहीं है, बस वही एक ही बार वो दवा यूज की हूँ।
तो वो एक दवा था, बस तीन ही दवा था। और मुझे एक्सरसाइज का, जो खाना पीना कैसे खाना है, कौन सा टाइम में खाना है, वो एक चार्ट दी थी कि ये चार्ट है, तुमको इसी के अनुसार काम करना है, अब तुम करोगी नहीं करोगी तुम्हारी मर्जी। ये दवा मैं दे रही हूँ, ये बस हार्मोनल इनबैलेंस जो है तुम्हारा, जो जिसके वजह से पीरियड खराब आता है, ये तुमको बस बैलेंस करेगा। पीसीओडी तुमको ठीक करना है, करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, साफ साफ वो बोल दी थी। तो फिर मैं आके यूट्यूब पे रिसर्च की कि कैसे क्या, मैं सही में मैंने सोचा, मतलब बताया यूट्यूब में कि इसका कोई इलाज नहीं है, ये खुद आपको करना है। फिर उस दिन से मेरा, उसके 2 दिन बाद मेरे हस्बैंड जी का बर्थडे था, तो फिर पहले तो घर पे मैं आई, वहाँ पे मैं अपना वजन नपवा ली थी हॉस्पिटल में कि मेरा कितना वजन है, तो उस टाइम मेरा 80 था, 80 किलो मेरा वजन था उस टाइम। और उसके बाद फिर यहाँ पे घर पे आके एक इंच टेप लिया और मैंने पूरा बॉडी का मेजरमेंट किया कि मेरा कमर कितना है, मेरा थाई कितना है, और मुझे एक, मैं फिर उसके बाद एक महीने में फिर देखूंगी कि मेरा कितना घटा, इसके लिए मैंने किया था। फिर 2 दिन बाद मेरे हस्बैंड जी का बर्थडे था, दिखा के आए थे उसके बाद, तो उस दिन तो चिकन वगैरह बनना था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो बर्थडे में मैं खा लेती हूँ चिकन, लेकिन फिर इसके बाद मुझे चिकन नहीं खाना है, जब तक बेबी कंसीव नहीं हो जाता है जब तक नहीं खाऊंगी, और बिल्कुल प्लेन चीज़ें करूंगी। तो सिर्फ बर्थडे में ही मैं चिकन खाई थी, केक खाई थी, और फिर उसके बाद उस दिन से जो मेरा बंद हुआ, जो बेबी कंसीव होने के बाद ही मैं खाई। अगर बाई चांस कभी मैं खा भी लेती थी तो बहुत ही कम मसाले में बनाती थी और बहुत ही कम खाती थी, एक पीस जो बोलते हैं ना, एक पीस भी मैं नहीं खा पाती थी, क्योंकि मुझे खुद पे काम करना था। मैं खाती थी तो मुझे लगता था कि जितना मैं घटाई हूँ उतना फिर बढ़ जाएगा, तो क्योंकि घटाने में कितना मुश्किल है आप लोग भी जानते हैं, लेकिन बढ़ने में कोई मुश्किल नहीं है। आप खाना खा के सो जाओ, उठिएगा तो लगेगा कि वजन पूरा शरीर में आ गया है। तो यही मेरा स्टोरी था। और उसके बाद जब जब उनका बर्थडे था ना, तब हम ये डाइट करना स्टार्ट किए थे, वही 1 साल बाद जब उनका फिर से बर्थडे आया, उस समय हम प्रेग्नेंट हो गए थे, उसके पहले ही प्रेग्नेंट मैं हो गई थी। तो सोचिए कि मैं 1 साल के अंदर जब मुझे पता चला कि मुझे पीसीओडी है, तो उस टाइम से लेकर उनका बर्थडे आने के टाइम के पहले ही मैं प्रेगनेंसी कंसीव कर ली थी, क्योंकि उनका बर्थडे में मैं शायद 1 महीने की प्रेगनेंसी मैंने कंसीव कर लिया था। तो ये थी मेरी पीसीओडी स्टोरी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा और मेरी स्टोरी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और आप अपना राय ज़रूर बताइएगा कि आपकी स्टोरी क्या है। अगर आपकी स्टोरी भी कुछ ऐसी होगी तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपकी स्टोरी यूट्यूब पे बताऊंगी, जिससे और लोगों मोटिवेट होके मतलब चीज़ें करेंगे। क्योंकि आप लोग जान लीजिए, पीसीओडी आप पे डिपेंड करता है कि आप ठीक करना चाहते हो या नहीं। अगर आप ठीक करना चाहोगे तो ज़रूर ठीक कर लीजिएगा, अगर आप नहीं ठीक करना चाहिएगा तो चाहे 1,00,000 कमेंट कर लीजिए, आपको ठीक नहीं होगा। क्योंकि आपका जो दवा डॉक्टर देता है वो दवा से ठीक नहीं करना है, आपको खुद से, आपका खुद का कॉन्फिडेंस से, एक्सरसाइज, योगा, आपका खाने पीने का स्टाइल, आप जो भी क्या खा रहे हो, क्या कर रहे हो, वो चीज़ से आपको पीसीओडी ख़त्म होगा। ये नहीं कि आप मेडिसिन खाएं और लेट गए उठे तो देखेंगे चलो ठीक हुआ कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो बंद करती हूँ, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बाय बाय, टेक केयर।